मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वेरी सॉरी। ये सब क्या है पाखी? वही जो मैं तुमसे कहना चाहती थी। आई एम सॉरी विराट, मुझे माफ कर दो। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही थी। मुझे लगा था कि तुम सरप्राइज हो जाओगे, लेकिन तुम जल्दी आ गए। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है, लेकिन मैंने ये सब मेरे दिल में बैठे हुए डर की वजह से किया था, विनू और तुम्हें खोने के डर से किया था। आई एम सॉरी। बाकी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है विराट। जब हम विनू और सवि के पिकनिक पे गए थे, तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, याद है ना? मुझे बस अपना वही बेस्ट फ्रेंड चाहिए, मैं उसी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहना चाहती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। उसके लिए तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो ना, दे दो, लेकिन प्लीज मुझसे अपनी बेस्ट फ्रेंड होने का हक कभी मत छीनना। तुम मेरे साथ एक दोस्त की तरह तो रह ही सकते हो ना? तुम हमारे रिश्ते को जो नाम देना चाहते हो ना, तुम दे दो विराट, लेकिन प्लीज मुझे कभी भी अपनी नजरों में मत गिराना। प्लीज मैं और सब कुछ सह लूंगी, लेकिन मैं ये नहीं सह पाऊंगी। मुझे बस यही कहना था तुमसे। अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते थे? अब मैं इसे कैसे कहूं कि मुझे ये रिश्ता तोड़ना है? क्या हुआ विराट, बोलो ना, क्या कहना था तुम्हें? कहना तो पड़ेगा, यही सबके लिए सही है। बाकी मैं मामा, मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दे दो ना प्लीज। मम्मा ये सब क्या है? बेटू मैंने ना आपकी डॉक्टर आंटी पर केस करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और इसीलिए मैंने उनसे माफी भी मांग ली, ठीक वैसे ही जैसा आपने मुझसे कहा था। और अब मम्मा आपके बाबा से भी माफी मांग रही है। अरे वाह मम्मा, इतनी सारी सॉरीज देखकर तो पापा को भी आपको माफ करना पड़ेगा। पापा आप मम्मा को माफ करोगे ना? कुछ खाने के लिए दे दो ना प्लीज। ओके चलो मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी सा बनाती हूँ। ओके विराट, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, मैं बस विनू को कुछ खिला देती हूँ पहले, उसके बाद बात करती हूँ। ओके मम्मा कुछ टेस्टी सा खाना बनाएगी विनू के लिए। बाकी को कैसे बताऊंगा कि मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ? उतार
चुकी हूँ मैं ऐसा, जब ढाबे पे आप बेहोश हो गए थे, पेशेंट का इलाज करते करते खुद ही पेशेंट बन गए थे, तब मैंने आपको खुद ड्राइव कर ड्रॉप किया था आपके घर। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, गिर जा, क्या गिर जा, पकड़ो इसे, गिर जा, क्या हुआ तुम्हें, गिर जा, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, गिर जा, ये क्या किया तुमने, गिर जा, मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी, गिर जा, तुम्हें अपने सत्य पर भरोसा नहीं था क्या, मैंने तुम्हें कहा था ना हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होने दोगे, गिर जा, तुमने ऐसा क्यों किया, गिर जा, नहीं उठा बेटा, अरे कहा जा रही, अरे कहा जा रही, नहीं बेटा संभाल अपना, सत्या ये लो, हमें कभी एक नहीं होने देंगे, और जिस दुनिया में तुम मेरे साथ नहीं हो ना, मुझे उस दुनिया में नहीं रहना सत्या, आई लव यू सत्या, गिर जा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा, गिर जा, संभाल अपने आप, हाथ मत लगाना मेरी बेटी को, प्लीज मुझे उसकी जान बचा लेने दीजिए, मैं उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहता हूँ, प्लीज, तू है सारे फसाद की जड़, तेरे वजह से ये सब हुआ है, तू है जिम्मेदार, एक नाचने वाली के बेटे से क्या उम्मीद कर सकते हैं, तेरे खून का अता पता नहीं है, तू तेरा घर तेरा खानदान सब घटिया है, तूने क्या समझा, हा? इसके साथ में रिश्ता जोड़ लेगा, हा? अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इसे फंसा लेगा, इस मासूम को, तू है मेरी बेटी गिरजा का कातिल, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा तुझे, गिरजा, सत्या वो तो सोनार के पास जाने वाला था ना, क्या कर रहे तू सत्या, अरे कितने रक्त ये तय, समझ में नहीं आया तुझे, इतना खून आ रहा है हाथ से, समझ बाकी, देखो मेरी बात सुनने के बाद गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाना और खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत, तुम्हें मेरी कसम है, मैं जानता हूं तुम्हारा और मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है, लेकिन वो खोखला रिश्ता है, बेमानी है, सिर्फ नाम का रिश्ता है, बाकी मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर पाया और नहीं कभी कर पाऊंगा, कहते हैं दुनिया में सबसे भारी बोझ होता है किसी रिश्ते की लाश को अपने कंधे पर ढोना, मैं ये बोझ और नहीं ढोना चाहता हूं, नहीं ढो सकता हूं, थक गया हूं, और शायद तुम भी, बाकी हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि हम ये बोझ अपने कंधों से उतार फेंके, ये रिश्ता हम तोड़ते हैं, अगर ऐसे मैं बोलूंगा तो पाखी को बहुत बुरा लगेगा, कैसे भी बोलूंगा बुरा तो लगेगा, बोलना तो पड़ेगा,
कैसे भी करके बोलना पड़ेगा। कैसे बोलूं? पापा, आप कब से अकेले अकेले किससे बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। आप इतनी फास्ट फास्ट चल क्यों रहे हो? बड़ा, मैं किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा था। ओके? तो पापा आपकी प्रैक्टिस हो गई है? चलो मेरे साथ चलो। चलो बड़ा सुनो, ये क्या मरे मरे हाथ से काम कर रहे हो तुम लोग? हाँ, मसाला ऐसे कूटा जाता है, ऐसे समझे? एक तो वो पांचवी वाली भाई अभी तक आई नहीं है, और तुम लोग इतने धीरे धीरे हाथ चलाओगे तो काम पूरा कैसे होगा? और जल्दी जल्दी कूटो, जल्दी काम खत्म होना चाहिए। और तुम लोग वो क्या देख रहे हो? जल्दी जल्दी काम करो। अरे कूटे हुए मसाले का इतना डिमांड नहीं होता ना, तो इन कामचोर औरतों को मैं आने ही नहीं देती काम पर। बताओ, पांचवी भी अभी तक नहीं आई है। काय झाला अंबा, आंख में मिर्ची चली गई क्या? पानी दू? जल रहा है बता मुझे। हाँ वही नहीं, जल रहा है। अपने बेटे को तकलीफ में देखकर एक माँ का दिल जल रहा है। ये आंसू मिर्ची की वजह से नहीं है वही नहीं, अपने बेटे की खुशियों की चिता जलती देखकर बह रहे हैं। मैंने आज फिर उसने अनजाने में खुद को चोट पहुंचा ली। सब्जी काट रहा था और उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी उंगली कट गई। उसे महसूस भी नहीं हुआ। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे बेटे के अंदर कितना दर्द छुपा है, जो अपने शरीर को लगी हुई चोट भी उसे महसूस नहीं होती। माझा मुलाचा आयुष्य असं जाणार का हो? उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है? ये इस तरह बर्बाद हो जाएगी उसकी जिंदगी? नहीं अंबा, नहीं, ऐसा नहीं है। वक्त हर दर्द की दवा होता है। जिंदगी में चाहे गम के मौसम आए या खुशी के मौसम आए, एक ना एक दिन बीत ही जाता है। और एक ना एक दिन हमारा सत्तू है ना, देखना इन तकलीफों से जरूर बाहर निकल के आएगा। रिजा के साथ जो भी हुआ उसे सत्तू के दिल पर बहुत गहरा सदमा लगा है, और ये जख्म इतनी आसानी से नहीं भरेगा, क्योंकि प्यार का जख्म प्यार ही भर सकता है। और जब तक सत्तू की जिंदगी में कोई और नहीं आ जाती, तब तक ये जख्म वैसा ही रहेगा। लेकिन तू चिंता ना कर, हमने गणपति बापा से प्रार्थना की है ना, वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। तूने अष्टविनायक का नवस भूला है ना? देखना, कोई ना कोई लड़की सत्या के जिंदगी में जरूर आएगी। बहनी आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कहीं खूब मोटा चमत्कार हुई और कोई लड़की हमारे घर के बाहर आकर खड़ी हो जाएगी। अरे सभी, क्या बाड़ा, मेरा हाथ पकड़ के आप ऐसे दौड़ के आए हो जैसे कि मुझे कोई सरप्राइज देने वाले हो, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाबा के साथ मजाक चल रहा है? वेरी फनी। पापा डर गए ना? मैं डर गया? मैं डरता वरता नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डर गया था बस। बाय द वे, मिस्टर विनायक चव्हाण, ये शेफ की कैप क्यों पहनी? मिस्टर पापा चव्हाण, ये शेफ की कैप आपको भी पहननी है और मिस सभी चव्हाण को भी पहननी है। ओ तो कहाँ है कैप? ये लो बाबा, ये सभी, ये आपकी। पापा चव्हाण, चलो चलो ठीक है। हाँ, पापा चव्हाण रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। ए बाबा, ये पुलिस ऑफिसर की कैप नहीं है, ये सेफ की कैप है। हाँ सॉरी सॉरी शेफ सवी,
अच्छा बाय द वे प्लान क्या है, हम तीनों मिलकर क्या खाना बनाएंगे? और सिर्फ हम तीन नहीं, जिनका ये आइडिया है वो भी हमारे साथ खाना बनाएंगे। किसका आइडिया ये? मिसेस मामा जवान का। सभी चल। तुमने मुझसे कहा था ना विराट कि मुझसे तुम्हारी खुशी नहीं देखी जाती, तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश तुम्हें खुश करने की, तुम्हारी खुशी में खुश होने की। तुम्हारे दोनों बच्चे एक ही छत के नीचे, यही चाहिए था ना तुम्हें? उम्मीद करती हूँ कि तुम खुश होगे। तुम खुश हो ना विराट? खुश हूँ। पैसे लेने में तो सबसे आगे रहती हो और काम करने में तो मौत आती है तुमको। पूरे 2 घंटे लेट आई हो तुम। अब तो मैं तुम्हारे पैसे काट के तुमको दूंगी। खड़े खड़े मुंह क्या दे रही? इधर 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 एलो, ये पकड़ो हाँ, और कूटना शुरू कर। मेरे कोई बात नहीं सुननी, देरी से आई हो ना, कूटो। लेकिन फेकिन लेट आके भी, लेकिन फेकिन थैंक यू बोलने वाले क्या बात है? आप तो मेरी बेटी जैसी हो ना, तो मैं भी आपकी मम्मा जैसी हुई। और कुकिंग सिखाने के लिए मम्मा को थैंक यू थोड़ी ना बोलते हैं। अभी तो देखो मैं आपको कितनी सारी चीजें सिखाती हूँ। सत्ती मुच्ची पाकियां दिया बहुत अच्छी हो। चलो दूसरा बनाते हैं, कम ऑन। आखिर इस रिश्ते को बचाने के लिए कितनी कोशिश कर रही है, ऐसे में मैं इसे कैसे कहूं कि मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहता हूं? ये सुन के पाखी खुद टूट जाएगी। वहिनी देख रही है ना, देखिए देखिए जिस पत्र लेखा को आपने क्या कुछ नहीं कहा था, कितने ताने कसे थे। अच्छा वही पत्र लेखा देखिए, सभी को कितने प्यार से सब कुछ समझा रही है, बिल्कुल एक माँ की तरह। अरे तुम भी ना, मसाला क्यों नहीं कूट रही है? अरे आजी की बात का बुरा मत मान, तू जानती है ना आजी कैसी है। वो जुबान से थोड़ी तीखी है लेकिन दिल से ना एकदम शहद है, तो उनकी बात को दिल पे मत ले। अरे बाद में तुमको गर्म चाय पिलाऊंगी, ये लो। लेकिन मेरी बात तो सुनिए आप, एकदम कड़क चाय पक्का। सत्तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है सुबह से, कहाँ चला गया? कहाँ है सत्तू? सत्तू तो घर में ही है, काम में बिजी रहेगा। तू ही खाली घूमती रहती है। हैं, और तू तो पूरा दिन पहाड़ तोड़ती है। और अगर वो घर पर है तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? फिर से ट्राई करती हूँ। देखा फिर से नहीं उठा रहा, कि ना मार खा के ही मानेगा। फिर मुझे चुप करा रही है। अरे सत्या का फोन यही कहीं आसपास है, देख आवाज सुनाई दे रही है। डॉक्टर सत्या का फोन ये रहा। दुर्गा तेरे पास सत्या का फोन कहां से आया? अरे मैं सही हूँ, दुर्गा नहीं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।